घर पर कुछ स्ट्रीट स्टाइल बनाने का मन कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, या फिर इफ्तार के लिए कुछ बहुत बढ़िया सा बनाना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, तो एक काम करिए, जो सफेद मटर होती है ना उसे जाके भिगो दीजिए। रात भर के लिए भिगोएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको 6-7 घंटे के लिए भिगोनी है तो भी अच्छी बात है। फिर आप क्या करो, उसे धुल लो और कुकर में डाल दो पानी और नमक और हल्दी, बस इसको बढ़िया तरीके से पका लेनी है। फिर चॉपर से चॉप कर लो बारीक टमाटर, प्याज और साथ में हरी मिर्ची आप डाल दो। इसमें अब अदरक बारीक कटी हुई और उसके बाद धनिया पत्ती। अब इसमें डालेगा नॉर्मल वाला नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची और साथ में जाएगा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला, चाट मसाला और आमचूर पाउडर, काला नमक भी जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देगी मिर्च भी डाल रही हूँ और उसके बाद जाएगी हरी वाली चटनी जो धनिया और पुदीने की बनी हुई है। अब इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। अभी आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी खट्टी चीज़ नहीं डालनी है क्योंकि अभी हम इसे पकाने वाले हैं हल्का सा, और फिर वो खट्टापन ना एकदम कड़वा सा हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऑयल लेंगे, उसके बाद डालेंगे लंबे लंबे कटे हुए प्याज और इसको हल्का सा सौटे करके अच्छे से पका लेंगे, मतलब प्याज पक जाना चाहिए। उसके बाद डालेंगे देगी मिर्च और बस जो हमने यहाँ मटर पेस्ट जो भी चीज़ें डाली है ना सब इसमें डाल देंगे बढ़िया तरीके से, और इसे हल्का सा तेल में सौटे कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल भी खा सकते हो, तेल नहीं खाते हो तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ा सौटे कर लेते हैं, गर्म हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी करेगा। अब यहाँ धनिया पत्ती डाल दी है और इसे फिर से चला लेंगे, ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे यहाँ पे इसे हल्का सा पकने दें, इसको बार बार चलाते रहना है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सब बॉटम में जाके ना जब चिपक जाए, इसलिए हल्का फुल्का चलाने के बाद चलिए अब हम डो लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें डाली है 1 टेबलस्पून के बराबर शुगर और डाला है मैंने यहाँ मोहन इम्पेक्स का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, और इसको मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर ही। दूध जो है वो गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं, और इसे हम सिर्फ 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में ही काम होना शुरू हो जाता है। तब तक हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप मैदा स्टार्टिंग में, उसके बाद डाला है मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर और चुटकी भर नमक। अब क्या करेंगे ना कि जो हमारी 5-10 मिनट बाद ईस्ट एक्टिवेट हो गई है वो हम इस आटे में डाल देंगे और इसको पूरी तरीके से मतलब निकाल देंगे जो ईस्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, अगारो का जो सुप्रीम स्टैंड मिक्सर है इसमें मैं अटैचमेंट लगा रही हूँ डो बनाने वाली, और जार को भी मैंने अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। और अब ना हम यहाँ पे इसे चलाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब जब ये आप चला रहे हो उसके बाद ही आपको लगने लगेगा कि काफ़ी लूज हो रहा है, तो आप इसमें 1/2 कप मैदा और डाल देना। उसके बाद क्या होगा, ये डो कुछ ऐसा लगने लग जाएगा, और हमें जो डो चाहिए ना वो काफ़ी लूज चाहिए, तो हम यहाँ पे कम से कम 3 टेबलस्पून के बराबर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और उसके बाद ना इसको फिर से चलाएंगे काफ़ी तेज़, कम से कम 7 मिनट के लिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो डो है हमारा वो काफ़ी लूज लगा है कि मतलब हाथ पे चिपकेगा, तो आप अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाना और उसके बाद इस बैटर को निकाल लेना। अब इसको ना अंदर की ओर फोल्ड करना है और इसकी मुंडी बाहर निकालनी है, और ऐसे करने के बाद ही आप इसे सेट होने के लिए रखना, जो हमें 2-3 घंटे के लिए प्रूफिंग पे रखते हैं वो करने के लिए। अब आप देख रहे हो कि मैंने इसके अंदर इसके ऊपर पूरी तरफ से लगा दिया है ऑयल। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए रख रही हूँ और 2 घंटे बाद नज़ारे कुछ ऐसे हैं, और अब दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कितना अच्छी तरीके से इसमें जालियाँ पड़ी हैं जो सच में पड़नी बहुत ज़रूरी है। अब एक सरफेस पे आपको डालना है मैदा, उसके बाद यही पटक देना है। अब हम क्या करेंगे क्या, इसके पीसेस बनाएंगे, इसके टुकड़े कट करेंगे, क्योंकि हमें जितने भी साथ में कुलचे बनाने हैं उसके लिए लोइयाँ बनानी है, तो हम कैसा भी करके ले सकते हैं, हमें कौन सा प्रोफेशनल बनाना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पीसेस कट कर ले रही हूँ, और भी इसके और पीसेस भी करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो फूलता भी है ना, हम जब सेकंड प्रूफिंग लिए रखेंगे तो वो फूलेगा, इसलिए हमें और छोटे करने ज़रूरी पड़ेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप ऐसे करके पेड़े बना लीजिए, और ऐसे बनाने के बाद पता है क्या करना है, आपको बेलना है। अब आप चाहो ना तो मार्केट वाले गोल गोल भी बना सकते हो जो पैकेट में आते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रीट वाले बनाना चाहते हो तो लंबे लंबे बनाओ, उसका बिल्कुल स्ट्रीट वाला फील आएगा। तो मैंने यहाँ पतले पतले लंबे लंबे बेल के रखे हैं। तो मैंने दो में ना लगाया नहीं है बिल्कुल भी धनिया, और मैं बाकी में धनिया लगा दे रही हूँ क्योंकि इसका भी अलग मज़ा होता है। 20 मिनट रखने के बाद ना हम इसे अवन में रखेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, 20 मिनट पहले रखना है ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइमर, और आप देख पा रहे हो 5 मिनट बाद ये कितना फूल कर तैयार है। जिसमें हमने धनिया नहीं लगाई थी उसमें गड्ढे तो हुए ही नहीं, तो इसलिए वो पूरा फूल गया, और जिसमें धनिया लगाई थी अभी उसके नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक हम इसमें बटर लगा देते हैं गरम गरम, जिसमें ये काफ़ी रुई जैसा बनकर तैयार हो। और धनिया लगाई थी तो बहुत फूला नहीं, क्योंकि इसमें गड्ढे हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, तो इसलिए ये ऐसा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे मार्केट में भी मिलते हैं, तो वैसे हम इसमें गरम गरम में ही बटर लगाएंगे, जिसमें क्या हो कि ये ना बहुत नरम हो जाए, कड़े कड़े से ना रहे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा यहाँ पे कुलचा बनकर तैयार हुआ है वो अंदर से कैसा है और सॉफ्ट है कि नहीं। तो आप देख रहे हो अंदर से कितना अच्छा पककर तैयार है और ये कितना सॉफ्ट है। आप इसे ना ऐसे मुट्ठी में भी बंद कर सकते हो अपनी, इतनी ज़्यादा, मतलब ये इतना सॉफ्ट है, कुछ कहने का नहीं है। तो अब हम ना इसको बिल्कुल स्ट्रीट वालों की तरह सेक लेते हैं, हल्का सा बटर लगाकर और इसके ऊपर हल्की सी देगी मिर्च डालकर इसको पूरा लपेटा मार देते हैं बटर और मिर्च का, और पूरा लाल लाल कर देते हैं। देखा नहीं आपने स्ट्रीट में कैसे बनाते हैं भाई, बिल्कुल मुँह में पानी सा आ जाता है। और इसके ऊपर डालते हैं धनिया और बस इसको सर्व करने के लिए लगा देते हैं प्लेट में। अब मटर में हमें सिर्फ और सिर्फ डालना है नींबू। अगर नींबू ना डालना चाहें और खट्टापन लाना चाहें तो आप यहाँ पे इमली का पानी भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहे ये कुलचे, वो हैं हमारे छोले, कहने के लिए मैं सफेद मटर बोलती हूँ उसे। और उसके बाद ना ये जो है इतना अच्छे से पककर तैयार है। आप देख रहे हो अंदर कितनी अच्छी जाली पड़ी है भाई। मैं तो चलिए खाने, आप ही बनाओ, खाओ पियो, मजे करो।